वाकई वजीर तबाला अवैस लगारी ने भी के इलेक्ट्रिक के सामने हथियार डाल दिए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के दौरे पर उनका कहना था कि के इलेक्ट्रिक को अल्लाह हिदायत है, इसकी वजह से कराची के सार्फीन को महंगी बिजली मिल रही है। अवैस लगारी भी के इलेक्ट्रिक के सामने बेबस नजर आए। कहते हैं विफाक के इलेक्ट्रिक को अरबों रुपए की सब्सिडी फराहम कर रहा है, फिर भी कराची के सार्फीन को के इलेक्ट्रिक महंगी बिजली फरोख्त कर रही है। आज हुकूमत पाकिस्तान 170 अरब रुपए कराची के कंज्यूमर्स को सिर्फ महंगी बिजली जो के प्रोड्यूस करती है उसकी मद में दे रही है, विच इज अनफेयर। विफाकी वजीर के दौरे के मौके पर नॉन लोड शेडिंग इलाके में भी विफाकी वजीर का इस्तकबाल बिजली बंद करके किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची में राउंड टेबल से खिताब करते हुए आईबीए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अकबर जैदी के साथ पैनल वासे में विफाकी वजीर का कहना था कि सोलर नेट मीटरिंग से महज अमीर तबका मुस्तफीद हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक में नेट मीटरिंग आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। ये सोलर नेट मीटरिंग 2017 में मैंने खुद इनिशिएट की थी और इसकी कीमतें ऐसे रखी थी ताकि ये इंट्रोड्यूस हो और ये प्रोलिफरेट। अभी आपकी सोलर पैनल्स की कीमतें इतनी नीचे आई हैं कि यू आर अर्निंग बैक दैट इन्वेस्टमेंट इन लेस देन 2 ईयर्स, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। ऑस्ट्रेलिया में सस्टेनेबल नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, फिनलैंड में नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने में इस वक्त की सोलर नेट मीटर की प्राइसेस सस्टेनेबल नहीं है। सरदार अवैस लगारी के बकौल पाकिस्तान में 36,000 मेगावाट कैपेसिटी में से 6,000 मेगावाट सोलर पैनल इंपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत सोलर नेट मीटरिंग की हौसला शिकनी नहीं कर रही। कैमरामैन जावेद अख्तर के साथ काशिफ मुनीर, नियो न्यूज़।